खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के रोहियामा गांव में बीती रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सेवानिवृत्त होमगार्ड एवं समिति पद के दावेदार उम्मीदवार के ससुर को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों मृतक अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। परिजनों की माने तो रविवार की रात करीब 10 बजे गाँव के ही शनिचर चौधरी के दरवाजे पर मृतक हरी बोल यादव, किशन देव चौधरी, ढोलन चौधरी एवं शनिदेव चौधरी बैठकर आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान दो गोलियां चली, जिसमें से एक गोली हरबोल यादव को तो दूसरी कुछ देर बाद किशुन देव चौधरी के सीने में लगी। गोली लगने के बाद किशुन देव चौधरी घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर भागते हुए रमेश पासवान के आंगन में जा गिरा। आवाज सुनते ही घर के लोगों ने दौड़ लगा दी, लेकिन तब तक किशुनदेव की मौत हो चुकी थी। वहीं घायल अवस्था में हरिबोल यादव को आनन फानन में इलाज के लिए बेलदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए खगड़िया के लिए रेफर कर दिया, जहां ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं बेलदौर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज दिया। घटनास्थल पर पुलिस कप्तान अमितेश कुमार ने पहुंचकर बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। दो लोगों की हत्या रोहियामा गांव बेलदौर थाना अंतर्गत दो लोग जिनका नाम हरबोल यादव और किशनदेव चौधरी बताई जा रही है, दोनों की हत्या हुई है। बेहद संदेहास्पद स्थिति में जो है घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस हर मामले की छानबीन कर रही है। प्राथमिक तौर पे बातें सामने आई हैं कि दोनों ही जो मृतक हैं, दोनों का आपराधिक इतिहास था। हत्या से और डकैती से रिलेटेड जो अपराध हैं उनमें भी ये लोग जेल गए थे और बेल पर मुक्त थे। कई में जो है विचारण पूर्ण नहीं हुआ था अभी तक कोर्ट में, और दोनों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है आपसी वर्चस्व को लेकर के। हालांकि कोई ज़मीन विवाद से संबंधित कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस हर मामले हर तरह की बातों पर विचार करते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। अभी जांच में हम लोग और इसमें जो है उद्भेदन होगा। तो सर फिलहाल ये एक अभी हम लोग हर संभावित स्थिति को जो है लेकर के चल रहे हैं, तो अभी ये पुष्टि से कह पाना कि एक दूसरे को गोली मारी गई है या अन्य किसी तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये कह पाना अभी संभव नहीं है। इन सब बातों की जांच चल रही है। सर, चुनावी रंजिश माना जाए क्या? एक जो मृतक है उनके जो पतों हैं उनका ये बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य के लिए जो है वो नामांकन दाखिल करने वाली थी, लेकिन क्या जो है चुनाव के मद्देनज़र ये जो है घटना को अंजाम दिया गया है, ये कह पाना भी उचित नहीं होगा। इस बात की भी जांच जो है पुलिस कर रही है। बोला के लग ले लोग बोला के ले फोन लगा कर करके चलो बैठो यहाँ समिति में खड़ा हुई। समिति में खड़ा हो रहा था कल के, चलो मीटिंग के नहीं जा रहे कल के सवेरे हम कल के चलो न बोलबै छै गेले बस उन्हें सब मिल के मार लक। पुराना कोनो दुश्मनी हो रहे? पहले दुश्मनी रहे पहले के। किस किस से था? ढोलन चौधरी, हरबोल यादव, शनिचर, इन मोस्टली मरी। आपको कैसे जानकारी मिले कि हमारे पति की हत्या हो गई? बाबू वहाँ हल्ला हो गए कि हरबोल यादव को मार दिल के, तो हम कहिए कि हम यहाँ फोर्स अलै न जान लिए हमरा ठेल दल के मारियो लगले फोर्स हमरा कहिए कि सर कथी की कल के चोर बदमाश से तो अपने अलिए हमरा घर पर अपना कमबे खाए छे समय तीन खराब अलै उन्ने गले धकेल दल के घर अंगना पूरे बाथरूम इन्ने गले यहाँ से तब कल के कि मर गले तब जाके गलिए लपटोलिया से कोई नहीं बतबे रहे एगो मुसहर जात बतल के कि एम्बुलेंस ले गले 10 गोरन से ओकरा पकड़ के मारलक। अपने पति के की नाम रही? किशुन देव चौधरी। अपने नाम? सुलेखा देवी। ई सब वह ते 3-4 गो बदमाश लेके घूर रह फिर रह अब वहाँ रात जे घटना भेल
ई घटना पर वरियान बहुत दिन से कैलको, बहुत दिन से कैलको। सुन लो, ये सारा हाथ चनमनिया के बहु रूपा दैक हमरा पति कही दशा कर देलको। सुन लो, चनमनी के बहु दिलक एक दू तीन लाख 3 लाख रूपा किशुन देवा के, किशुन देवा घटना करवेलको पर बेटा यार सब रह मौजूद। सुनै छै कि पुरान दुश्मनी भी रहे। दुश्मनी कहाँ दुश्मनी, तो किशुन देवा या ये रपटा रपटी कैलके रहे, कहनियो तो 15-20 साल हो गए, तो ओहि समय मारती तो ओकरा मारने नहीं रहती।